ऐसे कई घर देखे होंगे आपने जहां सास बहुओं की चुगली करती हैं, पर केदार भवन एक ऐसा भवन था जहां बहुओं की तारीफ पे तारीफ ही होती थी। मीनू की सहेलियां उसके घर सत्संग में आई हुई थी। ये आजकल की बहू है, ना पूजा पाठ में रह गई ना घर गृहस्थी में। अपनी बहू की बताती हूँ, अरे भाई समझ में आता है कि काम नहीं करना चाहती, इसे नौकरी करनी है, चलो भाई मान लिया। पर अब ये लड़की मेरे साथ सत्संग में तक नहीं आना चाहती, भगवान जाने क्या चलता है इसके दिमाग में। बिल्कुल सही कहा भाभी, अब इन बहुओं को अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी, शॉपिंग मॉल जाने को कह दो, फट से तैयार हो जाएंगी, पर वहीं पूजा पाठ की बात कह दो तो नाक मुंह सिकोड़ना शुरू। तुम दोनों की बहुएं होगी ऐसी, मेरी बहू तो सोना है सोना, तभी तो मैं खुद के घर में सत्संग रख पाती हूँ। सब कुछ मेरी प्रीति ही तो संभालती है, वरना मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में जान कहाँ। आ बहू यहाँ बैठ। जी मम्मी जी, अभी आई। और अपनी बहू का माथा चूमती हुई मीनू अपने गले का हार खोलकर अपनी बहू के गले में पहना देती है। क्या किस्मत पाई है प्रीति ने, लगता है कम से कम 70 से 80 रिश्ते छाटे होंगे तब जाकर इसे यह घर मिला होगा। विमला की बात गलत तो नहीं थी वैसे, इस घर की बहू बनने से पहले प्रीति रहती भी तो किसी अलग ही मूड में थी। आराम से अपने बिस्तर पर अंगड़ाई लेती हुई प्रीति 10 बजे अपनी आँख खोलती है। बस 10 ही बजे, अभी 10 मिनट और सो लेती हूँ। लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं, भूल गई है क्या तू? अब जल्दी उठ, 10 से ऊपर हो गया है, वो लोग निकल भी चुके होंगे, 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जा और हाँ अपना वो नया वाला गुलाबी सूट पहन लेना। सज धज कर हाई हील्स पहनकर प्रिया हॉल में जाकर लड़के वालों के सामने बैठ जाती है। बायोडेटा में आपने सब कुछ मेंशन नहीं किया था अंकल जी, इसलिए मम्मी ने सोचा कि लड़के के परिवार वालों को यहीं बुला लिया जाए, वो क्या है ना सब क्लियर रहना चाहिए ना। सब कुछ मेंशन तो था, क्यों बेटा अमन? ये लड़की ना ये रिश्ता भी कटवा के रहेगी। ये तो कुछ भी कहती है प्रमोद जी, वैसे आप अपने परिवार के बारे में बता रहे थे शायद। मेरा तो छोटा सा परिवार है बहन जी, मैं और मेरी मिसेस, हमारे 2 बच्चे, मेरा बेटा अमन और इसकी छोटी बहन मोनू जो अभी 10th में पढ़ती है। ये सुनते ही प्रीति खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहती है, फिर तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा अंकल जी, ये बात मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। देख लिया मम्मी, मैंने पहले ही कहा था कि मोनू लड़का नहीं लड़की है, पर आप कह रही थी कि लड़के के छोटे भाई का नाम मोनू है। और पापा आप तो कह रहे थे कि आपने मोनू को गोदी में खिलाया है, तो आपको पता नहीं चला कि वो लड़की है? कितनी बार मैंने आप दोनों को बताया कि मैं उस घर में शादी करके नहीं जाऊंगी जहां मेरी कोई ननद हो, तो फिर आप गलत रिश्ता कैसे ले आते हैं? ये क्या बदतमीजी है सुशील जी, आप लोगों ने हमें इस तरह से बेइज्जत करने के लिए यहां बुलाया था क्या? सॉरी सॉरी अंकल जी, लगता है आप हर्ट हो गए, आप आराम से नाश्ता कीजिए उसके बाद जाइएगा। कह दो तुम्हारी बेटी को कि इस तरह वो सारे रिश्तों को मना करती रहेगी ना, तो उसका रिश्ता कभी नहीं होने वाला। अरे भाई कहाँ से लाऊं ऐसा परिवार जहाँ लड़की का भाई ही हो बहन ना हो, पहले ही 21 रिश्तों को मना कर चुकी है ये लड़की। आप क्यों अपना बीपी हाई कर रहे हैं, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, मैं बात करती हूँ ना प्रीति से। केतकी अपनी बेटी प्रीति के कमरे में जाती है और उसे समझाती है। तुझे क्या लग रहा है बेटा, ऐसे घर में तू शादी करके जाएगी जहाँ लड़की का भाई हो तो ही तू खुश रहेगी। मान ले तू छोटी बहू बन कर गई तो घर पर सभी का दिल पहले ही जेठानी ने जीता हुआ होगा, वो तेरे पैर घर में जमने ही नहीं देगी। तो फिर मैं जेठानी बनकर जाऊंगी मम्मी, ऐसे ही लड़की से शादी करूंगी जिसका छोटा भाई हो। पर अगर तू जेठानी रहेगी ना तो घर का सारा काम भी तुझे ही करना पड़ेगा, ये सोचा है कभी? वो तो कह देगी भाभी आप बताइए क्या करना है और कैसा करना है, सारा दिन तेरा इसी में चला जाएगा, ऊपर से जब प्रॉपर्टी बटेगी तो सब कुछ आधा आधा हो जाएगा। तो आप लोग मेरी उस घर में शादी कर दो ना जहाँ लड़का इकलौता हो। ऐसा लड़का मिलना तो और मुश्किल है बेटा, पहले के ज़माने में एक बच्चा बहुत कम लोग किया करते थे, और ऐसा लड़का मिल भी गया ना तो तू घर की इकलौती बहू होगी, तू चाह कर भी मायके नहीं आ पाएगी, पीछे से घर की जिम्मेदारी लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। पर अगर लड़की की बहन रहेगी तो वो हिस्सा कभी नहीं मांग सकेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा एक बार शादी का खर्चा और पूरी ज़िंदगी बस तीज त्यौहार में जो कुछ लेना देना होगा बस वही। ननद होगी तो जब भी तुझे मायके आना होगा तो सारा काम उस पर छोड़ कर यहाँ चली आना,
वरना घर की अकेली बहू अपना घर छोड़ ही नहीं सकती। अरे वाह मम्मी, इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा 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 ठीक है, मैं कर लूँगी शादी, पर लड़की की बहन ना शादीशुदा होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। और इस बार सुशील अपनी बेटी के लिए लाता है प्रेम का रिश्ता। प्रेम का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और माँ बाप। मीनू अपने पति और बेटे के साथ प्रीति को देखने आती है। आपकी बेटी भी है ना मीनू जी, आप उसे लेकर नहीं आए? हमारे घर में हम ब्याही हुई बेटी का अपने निजी मामले में कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। वो ब्याह कर अपने घर की हो गई बहन जी, और लड़की को तो प्रेम को पसंद करना है ना, ना कि हमें या श्वेता को। मीनू की ये बात सुनते ही प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, यही तो चाहती थी मैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और ये रिश्ता पक्का हो जाता है, प्रेम और प्रीति की शादी हो जाती है और बहू बनकर प्रीति मीनू के घर आ जाती है। अरे भाभी, आपने तो मुझे दिखाया ही नहीं कि मायके से आप क्या क्या लेकर आई हैं, अपने गहने तो दिखाइए। तू अपने ससुराल से क्या लेकर आई है, अपनी भाभी को दिखाया क्या तूने? अरे मम्मी, मैं तो इसी घर की हूँ ना, और अपने ससुराल की चीजें मैं यहाँ दिखा कर क्या करूँगी? तो मेरी प्रीति भी इसी घर की है, तू जब अपने ससुराल की चीज़ें अपने मायके में नहीं दिखा सकती तो बहू अपने मायके की चीज़ अपने ससुराल में क्यों दिखाए? जा बहू, तो अपने कमरे में जा, ये पगली ना कुछ भी बोलती है। बहू आई नहीं कि तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए मम्मी, सारी रस्में हो गई हो तो अब मैं निकल रही हूँ। ये कहकर गुस्से में श्वेता अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। अपनी बहू के आने की खुशी में मीनू अपने घर कीर्तन करवाती है, जिसमें सभी औरतें अपनी बहुओं की बुराई कर रही थी और अकेली मीनू अपनी बहू की तारीफ। तुम दोनों की बहुएं होगी ऐसी, मेरी बहू तो सोना है सोना, तभी तो मैं खुद के घर में सत्संग रख पाती हूँ, सब कुछ मेरी प्रीति ही तो संभालती है, वरना मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में जान कहाँ। आ बहू, यहाँ बैठ जा। जी मम्मी जी, अभी आई। मम्मी जी, आपके लिए शरबत ला कर दूँ? भूखे भूखे आपको कमज़ोरी महसूस हो रही होगी ना। मैं आपके लिए फलियार का खाना लेकर आती हूँ मम्मी, शरबत का क्या है, शरबत तो कोई भी पिला देगा आपको। तू लेकर आएगी फलियार का खाना? रहने दे बेटा, फलियार का खाना खाना हो तो प्रीति के हाथ का ही खाना। अरे क्या बताऊँ विमला, मेरी बहू ऐसा काम करती है, इतना चौकस, जरा अभी अनाज व्रत के खाने में लगना नहीं देती, और इसे तो काम बोलो रोलो। बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी आप। आंटी जी, मैं आप सभी के लिए और मम्मी जी के लिए व्रत का खाना बना कर लाती हूँ, वो भी सब कुछ धो धा कर। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद प्रीति फूले नहीं समाती, वो खुशी खुशी रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बना कर लाती है। इतना भी कुछ अच्छा खाना नहीं बनाया है भाभी ने मम्मी, जो आप इतनी बड़ाई कर रही हैं। तुझसे तो अच्छा ही बनाया है। खाना सच में बहुत अच्छा बना है प्रीति। और इसी तरह आज का दिन गुजर जाता है। एक शाम प्रीति अपने लिए एक सोने का नेकलेस लेकर आती है और अपनी सास को दिखाने उनके कमरे में जाती है, पर मीनू फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। ये नेकलेस कितना सुंदर है ना मम्मी जी, मेरे गले पर कितना प्यारा लग रहा है ना। ये तेरी बहू की आवाज़ है ना, क्या लेकर आई है, खुद के लिए कुछ लाई लगता है, इन बहुओं को हमारी कहाँ पड़ी होती है। सोच कर बुला कर विशाखा, मेरी बहू ऐसी नहीं है, मेरी बहू मेरे लिए हार लेकर आई है, और इस घर में वो जो भी लाती है दो लाती है, एक खुद के लिए और एक मेरे लिए। मेरी बहू मुझे सास नहीं अपनी माँ मानती है, और उसके खिलाफ तो मेरे सामने कुछ कहना ही मत, रख अब फोन। मुझे तो लगता था कि ये सासें किसी बीमारी से कम नहीं होती है, पर मैं गलत थी, मम्मी जी तो बड़ी अच्छी हैं। अपनी सास की मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर प्रीति पिघल जाती है और अपना नेकलेस उठाकर अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहती है, ये नेकलेस आप पर भी बहुत जचेगा मम्मी जी, इसे आप रख लीजिए, मुझे अगर कभी पहनना होगा तो मैं आपसे मांग लूँगी। अरे मेरी बेटी जीती रहे, रुक जरा मैं वीडियो कॉल करके श्वेता को दिखाती हूँ ये नेकलेस। मीनू अपनी बेटी श्वेता को फ़ोन लगाती है। देख श्वेता, कैसा लग रहा है ये हार? अरे मम्मी, ये तो वही हार है ना जो JB ज्वेलर्स वाले ने डिस्प्ले पर रखा था, आपने कब लिया? जिसकी बहू इतनी प्यारी हो उसे कुछ लेने की ज़रूरत ही क्या होगी, मेरी बहू मेरे लिए ये हार लेकर आई है, तू भी कभी अपनी माँ के लिए कुछ सोच लिया कर। आप ना बस मुझे बातें सुनाओ, अब तो मुझे आपको फ़ोन करने का मन भी नहीं करता, जब देखो भाभी की तारीफ करती रहती हैं आप। अपनी बेटी का बढ़ता गुस्सा देखकर मीनू उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और उसे धीरे से कहती है, दिमाग की पैदल है क्या तू, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपको आपकी बहू अपनी बेटी से ज़्यादा प्यारी लगती है।
अरे नहीं रे पगली, ये सब तो प्रीति को बोतल में उतारने का एक नुस्खा था मेरा, जो कि काम कर गया। मुझे तो खुद पर नाज हो रहा है, जरा कॉलर ऊपर कर लेती हूँ। क्या एक्टिंग की है मैंने कि तू भी मान गई कि मुझे प्रीति से ज़्यादा प्यार है। तो प्रीति को तो इम्प्रेस होना ही था। मैं हर बार तेरे काम को खराब कह देती हूँ और उसके काम को अच्छा, पर ऐसा कहकर तेरा काम भी उसी से करवा लेती हूँ। ये नहीं देखा तूने, ऐसे ही उसकी तारीफ कर करके मैंने उससे ये नेकलेस भी ले लिया। अरे वाह वाह मम्मी, आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए थी ना। अब भाभी से मेरी भी सेवा करवाओ ना थोड़ी। तो एक काम कर, तू कल यहाँ आ जा, फिर देख तेरी माँ क्या करती है। और अगली सुबह श्वेता अपना सामान लेकर अपने मायके आ धमकती है। आज तो छोले कुलचे खाने का मन हो रहा है, नहीं प्रेम? हाँ पापा, ऐसे कभी हम सब साथ हो पाते हैं। दीदी भी आई हुई है, बनाओ ना दीदी छोले कुलचे। ये क्या छोले कुलचे बनाएगी? नहीं ना मम्मी, तुझे शर्म नहीं आती प्रेम? अभी तो मैं आई हूँ और आते ही काम करने लगूँ। आप रहने दीजिए दीदी, मैं बना देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं खाना। तूने मेरी बहू के हाथ के छोले कुलचे खाए नहीं अभी तक, इसलिए ऐसा बोल रही है। इसके हाथ का खाना खा कर देख, मार्केट का खाना ना भूल गई ना तो मेरा नाम भी मीनू नहीं। जा बहू, तू ही बना दे आज छोले कुलचे। प्रीति टेबल पर सभी के लिए खाना परोसती है। मेरे जैसी किस्मत भगवान सभी सास को दे, क्या बहू पाई है मैंने। सुबह समय पर उठ जाती है, रात को मेरे पैरों में तेल लगाती है और इतना अच्छा खाना बनाती है, अब क्या चाहिए। मेरा तो ये जीवन ही सफल हो गया बहू। वैसे आज तू शॉपिंग पर जाने वाली थी ना, कितने बजे जाना है तुझे? भाभी शॉपिंग पर जा रही है, मुझे भी मार्केट जाना था मम्मी। और आपको साड़ी चाहिए थी ना, मैं लेती आऊँगी। मुझे भी खुद के लिए ना एक दो चीज़ें देखनी है। मेरे ससुराल के पास तो सारे मार्केट में आग लगी पड़ी रहती है, इतनी महंगी चीज़ें कि क्या बताऊँ। यहाँ से ही सब खरीद कर ले जाऊँगी। अरे तू क्या मार्केट जाएगी, बहू जा रही है ना, तू एक बार उसकी पसंद देख तो ले। जो चीज़ वो ले आती है ना, वो ऐसी होती है कि देखने वाला देखता रह जाए। आप तो एक भी मौका नहीं छोड़ती मेरी तारीफ करने का मम्मी जी, इतना तो मैं कुछ करती भी नहीं हूँ जितना आप मेरी तारीफ कर देती हो। वैसे मम्मी जी ठीक कह रही हैं दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको क्या लाना है मुझे लिख कर दे दो, मैं सब लेकर आऊँगी। और इस तरह दोनों माँ बेटे मिलकर प्रीति का अच्छी तरह से फ़ायदा उठा रही थी। अपने घर में 10 बजे उठने वाली प्रीति यहाँ सुबह 4 बजे उठ जाती और घर का सारा काम दिन भर खुद ही करती। एक रोज़ प्रीति के फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। ससुराल जाते ही अपनी माँ को भूल गई क्या तू? तू तो वहाँ जाकर अपनी ननद पर सारा काम छोड़कर यहाँ आने वाली थी। पूरे 4 महीने हो गए, तू फ़ोन भी नहीं करती मुझे, ना ही व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाती है। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ मम्मी, आप ठीक ही कह रही थी, सब कुछ बल्ले बल्ले है। आप नहीं जानती आपकी बेटी क्या तोप है, यहाँ ना मेरे बिना एक तिनका तक नहीं हिलता, सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। बस इसीलिए मैं घर छोड़कर निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है अगर पूरी दुनिया में किसी बहू को बेस्ट बहू का खिताब दिया जाए ना, तो वो मैं ही होंगी। हे भगवान, ये लोग तुझे उल्लू बना रहे हैं, तू कुछ समझी नहीं क्या? ये सब तेरी सास की चाल है। अब प्रीति सब समझ जाती है। और इस बार प्रीति खुद के लिए मॉल से कपड़े लाती है और अपनी ननद के लिए रेलवे की पटरी से। ये देखिए मम्मी जी क्या लाई मैं दीदी के लिए। ये क्या है बहू? आप भी चौंक गई ना मम्मी जी मेरी पसंद से, जैसा कि आप हमेशा कहती हैं बेस्ट बहू की बेस्ट पसंद। प्रीति अपनी सास को ऐसी साड़ी देती है जैसी मीनू अपनी कामवाली को भी ना दे, पर उसने तो अपनी बहू की तारीफ के ऐसे पुल बांध रखे थे कि वो कुछ कहती तो फंसती। कुछ देर बाद प्रीति अपनी सास से कहती है, रात के डिनर में डोसा बना लूँ मम्मी? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, मेरा बनाया खाना तो मार्केट के खाने से भी ज़्यादा पसंद है आपको। प्रीति किचन में जाकर 2 दिन पुराने कच्चे पक्के आलू का मसाला बनाती है और एकदम खट्टे बैटर का जला भुना डोसा तैयार करती है और दाल का सांभार बनाकर उसे अपनी ननद को परोसती है। ये क्या जहर ले आई आप भाभी? हाँ, इतने अच्छे खाने को आप जहर कह रही हैं दीदी? अभी यही डोसा मम्मी जी को खिलाऊंगी ना तो वो वाह वाह करके खाएंगी। अब नहीं नहीं बहू, मुझे नहीं खाना, श्वेता खा रही है ना, मेरा तो पेट गले तक भरा हुआ है आज। श्वेता समझ जाती है कि अब प्रीति उल्लू नहीं बनने वाली। ये पकड़ो थाली और अपनी बहू के हाथ का खाना तुम खाकर दिखाओ मम्मी, मुझे किसी का फायदा नहीं उठाना, जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये कहकर श्वेता अपने घर को जाने लगती है। तभी प्रीति कहती है, आप कहाँ जा रही है दीदी? अभी तो मैं आपके और मम्मी जी के लिए पिज्ज़ा बनाने का सोच रही थी।
कहीं इस सब में मैं ना फंस जाऊँ, ये श्वेता तो 9-2-11 हो जाएगी। अब मैं क्या कह रही हूँ बहू, शादी के बाद तो तू एक बार भी मायके नहीं जा पाई, एक बार अपने मायके होकर आ जा, लगता है ज़्यादा काम कर करके ओ बगई है तू। यही चीज़ आप पहले कर देती मम्मी जी तो मुझे इतना सब करना ना पड़ता। खैर देर आए दुरुस्त आए, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। और सभी को नहला पर दहला देकर प्रीति अपने मायके निकल जाती है। ये कहानी है मोना की। मोना एक छोटे से गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि शादी करके गांव से शहर अपने ससुराल आई थी। उसकी सास पढ़ी लिखी और घमंडी औरत थी जो कि आए दिन अपनी बहू पर अत्याचार किया करती थी और बहू के साथ नौकरों जैसा सलूक किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सास अपनी बहू मोना को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ मोना कहाँ मर गई, सुनाई नहीं दे रही तुझे मेरी आवाज, यहाँ निठल्ले। आई सासू माँ। बोलिए क्या हुआ सासू माँ, कुछ चाहिए आपको? हाँ चाहिए तो, पहले ये बता तुझे मेरी आवाज सच में सुनाई नहीं दे रही थी या फिर ना सुनने के बहाने कर रही थी? नहीं नहीं सासू माँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, मुझे आपकी आवाज सच में नहीं सुनाई दी थी और जब सुनाई थी तो मैंने आपको जवाब भी दिया ना। ऐसा तो इंसान को कोई इमरजेंसी आ जाए और तुझे तो सुना ही नहीं देगा। माफ करना सासू माँ, मैं सुन नहीं पाई, बाकी क्या काम है बताइए ना, मैं अभी कर देती हूँ। जा जाके मेरे लिए आलू के पकौड़े बना कर ला और साथ में बढ़िया सी चाय भी, और इस बार शिकायत का मौका नहीं देना। जी सासू माँ, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मोना रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाकर सास को देती है। सास जैसे ही पकौड़े खाती है अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, सत्यानाश हो तेरा, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। अरे क्या सीख कर आई अपने मायके से, यही कि सास को कैसे परेशान करना है। क्या हुआ सासू माँ, पकौड़े अच्छे नहीं बने क्या? अच्छे? अरे लग रहा है पूरे पकौड़े में नमक ही नमक है। आखिर तुझे कोई काम आता भी है या नहीं, या बस बिना बात के हमारा राशन पानी बर्बाद करती रहती है। सासू माँ ये पकौड़े मत खाइए, मैं दूसरे बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ दूसरे बनाकर लाएगी, और ये इसे बर्बाद कर देंगे, अरे जैसे भी है खा लूंगी मैं। नहीं सासू माँ, इस पकौड़े में नमक ज्यादा है, आप मत खाइए, मैं आपके लिए दूसरे पकौड़े बना देती हूँ ना। मैंने कहा ना, तू जा और दूसरे पकौड़े बनाकर ला, पर ये पकौड़े यहीं रहने दे, जितना बोला जाए उतना किया कर, अपना दिमाग मत चलाया कर। मोना उदास होकर वहां से चली जाती है। मोना देखती है कि उसकी सास ज्यादा नमक वाले पकौड़ों को बड़े ही चाव से खा रही थी और खाते खाते कहती जा रही थी, पकौड़े तो काफी टेस्टी है, मजा आ गया इस गवार बहू के नाक में दम करने के लिए। मैंने कह तो दिया कि नमक ज्यादा है, तभी तो मेरे इशारे पर नाचेगी। ये सब देखकर मोना को मन ही मन बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह मोना का पति विजय मोना से कहता है, टेबल पर कुछ जरूरी फाइल्स रखी हुई थी, कहाँ है वो? जी मैंने तो टेबल पर कोई फाइल नहीं देखी आपकी। तुम पागल हो क्या, मैंने खुद टेबल पर रखी थी और यहाँ से फाइल गायब कैसे हो सकती है, इस कमरे में तो मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई आता जाता नहीं। माफ करना लेकिन सच में मैंने आपकी फाइल नहीं देखी और ना ही मैंने फाइल को इधर उधर किया है। पता नहीं कहां से गवार मेरे पल्ले पड़ गई। आप चिंता मत करिए, मैं ढूंढती हूँ, यही कहीं होगी। जल्दी करो मुझे ऑफिस जाना है। अभी वहां कमरे में मोना की सास आती है फाइल लेकर और अपने बेटे से कहती है, बेटा तू कहीं यही तो नहीं ढूंढ रहा? अरे माँ यही तो ढूंढ रहा था, ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है और अगर आज ये टाइम से नहीं मिलती तो बॉस मुझ पर बहुत ज्यादा चिल्लाते। बस ये फाइल कहाँ थी? तू बताएगी या फिर मैं ही बता दूँ? आपका क्या मतलब है सासू माँ, मैं समझी नहीं। अरे रहने दे, मुझे पता है तू झूठ बोलेगी, मैं ही बता देती हूँ। बेटा ये फाइल डस्टबिन के पास पड़ी हुई थी, वो तो शुक्र है कि मैंने देख लिया और उठा लिया, नहीं तो आज ये गवार इसे कचरे में ही डालकर चली आती। ऐसी गवार हरकत तो सिर्फ और सिर्फ मोना ही कर सकती है,
शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर नहीं मालूम किसी भी चीज के बारे में तो उसे छुओ तो मत। मोना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतता है। अगले दिन मोना बिल्कुल नए अवतार में, रोज से अलग, अच्छे से रेडी होकर अपने कमरे में बैठी फोन चला रही होती है और अपनी सास को आवाज देते हुए कहती है, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? मेरे चाय पीने का टाइम हो चुका है, चाय बनाकर कौन लाएगा? आज इस गूंगी की जुबान कैसे निकल आई, किस तरह से बात कर रही है ये, जाकर देखना पड़ेगा। मोना की सास को अपनी बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है। वो फौरन दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में जाती है और देखती है कि मोना बड़े ही मॉडर्न अंदाज में मॉडर्न कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठी है। सुनाई नहीं देता क्या तुझे बुढ़िया? कब से चिल्ला रही हूँ, चाय दे। लगता है बुढ़ापे के साथ साथ तेरे कान के पर्दे भी खराब होते जा रहे। मोना बहू, तू पागल तो नहीं हो गई? ये कैसा व्यवहार है और ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? चल अब ड्रामा खत्म कर, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। कौन मोना, कौन बहू? मैं तुम्हारी कोई बहू नहीं हूँ, समझी? मोहिनी नाम है मेरा, मोहिनी, जो सबको अपनी अदाओं से मोह लेती है। और तुम ना मुझसे थोड़ा तमीज से ही बात करो, नहीं तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, जो इस बुढ़ापे में सह भी नहीं पाओगी। अरे इसे अचानक क्या हो गया? कल तक तो अच्छी भली थी, आज अपने आप को मोहिनी क्यों बोलने लगी? कहीं इसमें कोई भूत तो नहीं आया? चाय बना कर लाती है बुढ़िया या फिर? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी लाती हूँ, रुको रुको। सास भागी भागी किचन में जाती है और मोना के लिए चाय बना कर लाती है। चाय पीकर बहू अजीब सा मुंह बनाती है और अपनी सास को फटकारते हुए कहती है, बुढ़िया तुझे चाय भी बनानी नहीं आती? इतनी बूढ़ी हो गई और एक चाय तक ठीक से बनाना नहीं सीखा, तो आता क्या है तुम्हें? अरे तुझे क्या हो गया है मोना, तू कौन सी बात का बदला ले रही है मुझसे? कितनी बार कहा कि मैं मोना नहीं मोहिनी हूँ, मोहिनी। ये बोलकर मोना बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। सास उसके मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारती है, जिसके बाद मोना को होश आता है और वो अपनी सास से कहती है, सासुमा मुझे सुबह उठने में देरी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये नीचे कैसे? तुझे नहीं पता क्या तू नीचे कैसे आ गई? नहीं सासुमा, शायद सोते हुए गिर गई होंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी आपकी चाय बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो रसोई में चली जाती है, लेकिन ये सब देखकर सास को बड़ा ही अजीब लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अभी उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। ऐसे ही दिन बीतता है और रात को पूरा परिवार चैन की नींद ले रहा होता है, तभी मोना अपनी सास को आवाज लगाती है, ओ बुढ़िया कहाँ मर गई, जरा इधर आ, अरे सुनाई नहीं दिया क्या? मोना की आवाज सुनकर सास उसके कमरे में आती है। उसकी आवाज से मोना का पति भी जग जाता है। तभी मोना अपनी सास को कहती है, मुझे भूख लग रही है, जल्दी मेरे लिए कुछ बना कर ला, एक काम कर मैगी ही बना दे। पागल तो नहीं हो गई बहू, आधी रात को पूरे घर को उठाकर तुझे मैगी खानी है? बुढ़िया कितनी बार बोलू, मोहिनी हूँ मैं, तेरी बहू नहीं, समझी? ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? कौन माँ, किसकी माँ? मोहिनी की कोई माँ नहीं है। अरे तुझे अगर भूख लग रही है तो तू खुद बना कर खा ले, मैं जा रही हूँ सोने, और मुझे दोबारा परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया। मोना पास में रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाती है और अपनी सास को मारने जाती है। तभी मोना बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। विजय उसे उठाता है और बेड पर लिटा देता है। सास उसके मुंह पर पानी की छींटे मारती है, जिसके बाद मोना को होश आता है। क्या हुआ, आप दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? और सासुमा आप इतनी रात को यहाँ, कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सो जा बहू। इतना बोलकर सास और विजय कमरे से बाहर निकल आते हैं। माँ ये मोना ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, क्या हुआ है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, कभी मोहिनी बोलती है कभी मोना बन जाती है, अरे लगता है जैसे भूत चढ़ गया हो। नहीं नहीं माँ, ये भूत नहीं कुछ और ही है। कुछ दिन बीतते हैं
और रोज वही सब देखने के बाद आखिरकार एक दिन विजय मोना की सब हरकतें देखकर साइकोलॉजिस्ट से बात करता है तो उसे स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। वो घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पता चल गया, मोना के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मोना बहुत ही ज्यादा तनावग्रस्त है और आए दिन तनाव में रहने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति ने इन सबसे डील करने और बचने के लिए एक अलग पर्सनालिटी बना ली है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, मोना पागल हो गई है क्या? नहीं माँ, उसे बस स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है जिसे ठीक करने के लिए हमें मोना के साथ अच्छे से रहना होगा और उसकी मानसिक स्थिति को ठीक करना होगा। उसे हमेशा उस जोन में जाने से बचाना होगा जहां पहुंचकर वो मोना से मोहिनी बन जाती है। ये सुनकर सास समझ जाती है कि मोना की इस हालत के जिम्मेदार वो खुद है। जिसके बाद सास मोना का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है, घर का माहौल काफी खुशनुमा बनाने की कोशिश करती है ताकि बहू फिर से तनाव में ना रहे।